सुबह 8 बजे से जुड़िए बिस्तक के साथ, बताएंगे बजट की हर छोटी बड़ी बात, टैक्स का आपकी जेब पर क्या होगा असर, देंगे बाजार में पैसे बनाने का गुरु मंत्र, क्या होगा सस्ता क्या महंगा, होगी आपकी काम की हर बात, तो फटाफट जुड़िए बिस्तक के साथ। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छठवीं बार बजट पेश करने वाली हैं। मोदी सरकार 3.0 का ये पहला पूर्ण बजट होगा। चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब मोदी सरकार इस बजट में आम जनता के लिए सौगात लेकर आएगी, उस पर सबकी नजरें हैं। आम जनता को नरेंद्र मोदी सरकार से काफी उम्मीदें हैं, खासकर सैलरीड इंडिविजुअल्स बजट 2024 को लेकर आस लगाए बैठे हैं। माना ये जा रहा है कि सरकार टैक्स छूट से लेकर टैक्स स्लैब में बदलाव पर फोकस कर सकती है। टैक्स पेयर्स इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी के प्रभावों को कम करने के लिए कम इनकम रेट्स की उम्मीद कर रहे हैं। वो टैक्स छूट समेत इक्विटी निवेश को प्रोत्साहित करने वाले छूट की भी उम्मीद कर रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो। इसके अलावा आने वाले बजट में अधिक पारदर्शी टैक्स स्ट्रक्चर और टैक्स छूट के विस्तार की भी उम्मीद है। इस वीडियो में आपको बताते हैं उन 7 बड़े संभावित बदलावों के बारे में जो बजट 2024 में हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स स्लैब की। लोगों को उम्मीद है कि इसमें बदलाव किया जाएगा। ऐसा होने पर आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए टैक्स का बोझ कम हो सकेगा। इसके अलावा नए टैक्स व्यवस्था के तहत अधिकतम सरचार्ज रेट फिलहाल 25% तय की गई है, जो पिछले टैक्स स्ट्रक्चर में 37% से काफी कम है। ये संभव है कि नई टैक्स व्यवस्था में प्रदान किए गए लाभों को पुराने टैक्स व्यवस्था में भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा ATC के तहत कटौती सीमा पर आम जनता की नजरें टिकी हुई है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार इस बार के बजट में बड़ा ऐलान करते हुए आयकर अधिनियम की धारा ATC के तहत कटौती सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श करेगी। वित्त वर्ष 2014-15 से 1.5 लाख रुपए पर स्थिर बनी हुई ये कटौती इस बार के बजट में 2 लाख रुपए तक हो सकती है। इससे मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी। आगे बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की। केंद्रीय बजट 2018 में सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए हर साल 40,000 की मानक कटौती फिर से शुरू की गई थी, जिसके बाद अंतरिम बजट साल 2019 में मानक कटौती की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई थी। तब से स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि स्थिर बनी हुई है। अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मानक कटौती को बढ़ाकर 1 लाख रुपए सालाना कर सकती है। नई टैक्स व्यवस्था में भी बदलाव हो सकता है। ओल्ड टैक्स व्यवस्था से नई टैक्स व्यवस्था में जाने वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स कटौती के संभावित विस्तार का विश्लेषण करना जरूरी है। स्वास्थ्य बीमा और NPS योगदान जैसे लाभों का विस्तार करके स्वास्थ्य सेवा की सुलभता बढ़ाने और टैक्स पेयर्स के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने का अवसर दिया जा सकता है। पुराने टैक्स व्यवस्था पर भी सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। केंद्रीय बजट में इस बार ओल्ड टैक्स व्यवस्था को लेकर बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। इसमें आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करना शामिल हो सकता है। NDA सरकार पर्सनल टैक्स पेयर्स पर बोझ कम करने के लिए टैक्स स्लैब को सरल बनाने और रेट्स को कम करने की संभावना इस बार देखने को मिल रही है। छठा बदलाव हाउस रेंट अलाउंस को लेकर हो सकता है। हाउस रेंट अलाउंस सैलरी का एक हिस्सा है, जो एम्प्लॉयर्स द्वारा कर्मचारियों को उनके आवास व्यय को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए उपलब्ध एक टैक्स बेनिफिट है, जो किराए के आवास में रहते हैं। बजट 2024 में HRA नियमों को संशोधित किया जाएगा, ताकि वेतन के 50% के आधार पर HRA के छूट के लिए कुछ अन्य शहरों को भी शामिल किया जा सकता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और बिजनेस जगत की तमाम जानकारियों के लिए बिस्तक के साथ बने रहिए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान है, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस
बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।